अब खबर बुंदेलखंड से गुंडागर्दी की। जब एक प्रॉपर्टी डीलर ने बदमाशों को रंगदारी के 10 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने उसके घर पर फायरिंग की। छतरपुर का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और 2 बदमाशों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। छतरपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को 10 लाख की रंगदारी न देने पर इसके घर पर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के ताज कॉलोनी की है, जहां प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद हमीद के नए मकान पर 10 लाख की रंगदारी न देने पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। यह बदमाश आराम से 10 राउंड फायरिंग करते हुए घटनास्थल से भाग गए। घटना की शिकायत प्रॉपर्टी डीलर ने थाने में की, जिस पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जानिसार नाम के लड़के का फोन आया था, उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की और पैसे ना देने पर सारे घर को गोली से मारने की धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मेरे नए वाले घर पे 4 फायर की उन लोगों ने और फिर वहाँ से वो लोग चले गए। अभी हम यहाँ थाने में रिपोर्ट कराने दिखाने के लिए आए थे। तो क्या इसमें आवेदक के द्वारा जब शिकायत की जाएगी तो विधि अनुसार जो FIR विभिन्न धाराओं में की जाती है वो होगी, पर मुख्य तौर पर जिन आरोपियों पर इल्ज़ाम था हवाई फायरिंग करने का, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।